वहाँ पर पौधा जो मर गया है ना और गड्ढा है, अच्छा हाँ, उसमें लगाना है। गलत रास्ता लेना भी सही हो जाता है। जैसे ओ घाटी क्षेत्र प्रारंभ, भैया बोल रहे रांची जा रहे हैं, वो ही पैदल। सामान जाने के रेडी है और ये इधर चल बाबा हाथ धोने के लिए आई। क्या स्कूल जा रहे हैं? हाँ। ऑनलाइन स्कूल नहीं लगता? ऑनलाइन हाँ, अच्छा तो जाएगा पढ़ने के लिए स्कूल में। हम लोग के साथ लोग भी खा रहे हैं खाना। इधर आओ, इधर आओ ना। नाम बताओ। श्लोक में। क्या मींस? श्लोक। हाँ। ठीक है, थोड़े दिन बाद मोबाइल में देखना ना पापा के, तुम्हारा चेहरा भी आएगा। ठीक है। हाँ। जी जी बाय बाय बाय। हेलो, कैसे हो संगवारीमान? बस निकल पड़े रांची को छोड़ के अब आगे, तो अविनाश जा रहा है मेरे को कुछ दूर तक छोड़ने के लिए। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट तो नहीं है मतलब ऐसा है कि ट्रैफिक नहीं पड़ेगा ना, वरना उधर तो भीड़ रहता है शहर में, ट्रैफिक रहता है। इधर निकलेंगे मानजी के आसपास। और मानजी ओके, टाटी सिलवे निकले हैं भाई अपन, टाटी सिलवे। चल ठीक है, फिर यही से निकल तू, मैं भी निकलता हूँ, आते अगले साल फिर से जाना अच्छे से आराम से। हाँ चलो भैया, अविनाश भी निकला यहाँ से और मेरे को गोला वाले रास्ते में जाना है, 77 दिखा रहा है उसी में थोड़ा सा और आगे जाना है। आज का जो मेरा स्टॉप होने वाला है वो पता नहीं, आज ये रिंग रोड है ऊपर में जिसका काम चल रहा है, आई एम जस्ट गेसिंग। खुंदरू 23 किलोमीटर, एडवेंचर पार्क 23 किलोमीटर। भाई मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ मेरे को भी पता नहीं है, मेरे फ़ोन में बैटरी वैटरी है नहीं, तो मैं किसी से पूछा यार दो चार लोग से लेकिन कोई जवाब दिया नहीं। खुंदरू के लिए तो मुड़ ही आएगा लेकिन अपने को मुड़ना नहीं है, जो ना रास्ते में अगर पड़ेगा तो रुक जाऊँगा। तेनू जाएगा क्या? तेनू नहीं पता जी। यहाँ पे पास बहुत सारा वाटरफॉल दिखा रहा है, सीता हुंदरू जौना, बट अपन एक भी नहीं जाएंगे मेरे ख्याल से। इधर सुख से डैम से चढ़ के एकदम सीधा चलिएगा, फिर वहाँ पर रोड मिलेगा बाईपास एकदम सीधा, बस एकदम वहाँ से गोला निकलिएगा। हाँ हाँ, गोला सागर जाइएगा, फिर वहाँ से तेनू घाट मिल। चलिए ठीक है भैया, थैंक यू भैया। इतने लोग से पूछा और रास्ते में पता है कोई कुछ बोलता ही नहीं, मालूम नहीं होगा उन लोग से। हाँ चलो भाई, अनजान शख्स रुक के मेरे को खुद ही पूछा कहाँ जा रहे हो करके, तो बताया भैया को तो बताया कि पीछे से मुड़ना है मेरे को करके। डैम चलो उधर ही जाने का है। चलो भाई, एक चीज़ तो अच्छा हुआ कि मैं गलत मुड़ गया था अनगढ़ा में, और गलत मोड़ मुड़ने के बाद में भी मेरे को एक रास्ता मिल गया है। वो ऑटो वाले भैया थे ना, वो मेरे को बताए। आगे का स्टोरी अपने थोपड़े के साथ बताता हूँ तो अच्छा लगेगा। तो हुआ ये कि देख, सबसे पहली बात तो मेरे को तो मेन रोड में साइकिल चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई, बहुत बेकार लगता है इतना ट्रैफिक। एक तो रांची में बहुत ट्रैफिक भाई, बहुत ट्रैफिक है, मतलब रांची शहर या नहीं बाहर में बहुत ट्रैफिक रहता है। हम लोग इतना बाहर आ गए अनगढ़ा में फिर भी ट्रैफिक था भाई, ख़त्म ही नहीं हो रहा था मेन रोड में। और अच्छा हुआ मैं गलत टर्न ले लिया, तो अब यहाँ से एक ये अनगढ़ा ही है लेकिन यहाँ से गेतल सूद करके एक डैम पड़ेगा, उस साइड से मेरे को गोला निकलना है। गलत टर्न ले लिया था तो, बट अच्छी बात है क्योंकि मेरे को ऐसा ही रास्ता पसंद है, एकदम सुनसान सड़क हो, ज़्यादा लोग ना हो, शांति हो, क्योंकि मैं शांति की तलाश में निकला हूँ भाई। नारायण सोसो के रास्ते में गेतल सूद पहुँच गया हूँ, थोड़ा सा आगे में डैम दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, मेरे लेफ्ट साइड पे पड़ा था मेरे को। उड़ता है यार मेन रोड के, क्या पता मेन रोड से अच्छे से नज़ारा दिखे चाहे मत दिखे, यहाँ पे एक खुला सा ये फुटबॉल ग्राउंड है यार एक ठो, तो यहाँ से ज़बरदस्त दिखेगा व्यू, मैं जान रहा हूँ। रांची को तो अपन अलविदा बोल देते, भूल गए थे अलविदा बोलना रांची को, मिलते हैं कभी फिर कभी, हो सके अगले साल या हो सके जल्द ही। बट ये जो भी है क्या बोलते हैं डैम है ना, बहुत ही खूबसूरत है बहुत। मैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़? हाँ। ओ अच्छा, ये कौन सा जगह? नारायण सोसो? नारायण सोसो नहीं है, पार हो गया है। नारायण सोसो पार हो गया है। ये कौन सा जगह है? तो ये है आपका गांधी ग्राम। गांधी ग्राम गांधी ग्राम से आप लोग? गांधी ग्राम से। तो यहाँ पे काम करने के लिए आया था फिर आप लोग यहाँ पर? हाँ हाँ, वहाँ पर पौधा जो मर गया है ना और गड्ढा है, अच्छा हाँ, उसमें लगाना है। अच्छा, नया पौधा लगाना है? नया पौधा। और जो मर गया उसको निकालेंगे? हाँ, जो मर गया तो निकाल देंगे उसको। हाँ हाँ, Thank you.
शीतलसुत डैम तो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था भाई, पीछे में ऐसा पहाड़ है और इतना बड़ा डैम है ना, बहुत ही वाइट है भाई। और अच्छा हुआ मैं शुरू में ही रुक गया, साइकिल टिका दिया है, यहाँ पे लिखा है गेतलसुत डैम ऊपर से दिखता है, तो दो मिनट के लिए रुक के यहाँ से भी देख लेते हैं। अच्छा मेरे को यहीं से ऊपर होकर गुजरना भी है, यहाँ से ऊपर होकर जाना है भाई। अच्छा दिख रहा है यहाँ से, तो और अच्छा दिख रहा है। Think about your day and ask you how it is. गलत रास्ता लेना भी सही हो जाता है, जैसे मैं रानीधाम में गया था तो मेरे को गलती से एक नया मंदिर दिख गया था, यहाँ पे आया हूँ तो गलती से एक डैम दिख गया, वो भी बहुत सुंदर है। चलो यहाँ से अपन गेतलसुत डैम के ऊपर चढ़ेंगे, लेकिन क्या जबरदस्त रोड है भाई, और क्या ही एपिक लैंडस्केप है। क्या जबरदस्त गाना चल रहा है भाई, पहले वाले में गाना चल रहा था। ओ भाई क्या ही एपिक। अरे अपने इंग्लिश के बुक में एक चैप्टर था ना, याद नहीं आ रहा है, उसमें एक राइटर का एक लाइन था ना, एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई करके, टू रोड्स था क्या, और राइटर का नाम याद नहीं आ रहा, किसी को याद होगा राइटर का नाम और उस चैप्टर का नाम तो बताना यार, बहुत अच्छा चैप्टर था वाला। चैप्टर आ गया, बहुत बड़ी बात है। चलो फाइनली अपन सही रास्ते में आ गए भाई, एट द एंड ऑफ द डे, बट वी गॉट टू सी गेतलसुत डैम ऑन द वे, एंड दैट वॉज वर्थ गेटिंग लॉस्ट। ये बंदा देख के अपने को रुका ऐसा, तो अपन आते हैं बातचीत करते हैं। हाँ भैया, छत्तीसगढ़ से आप? हाँ कहाँ जा रहे हैं आज? तो अभी तो ऐसे ही घुमाई वगैरह कहीं रुक जाऊँगा, गया जाना है, रुक के जाएंगे, तो मेरे को बोध गया अभी जाना है। हाँ ऐसे तो कोई पूछता नहीं है, बहुत कम ही लोग पूछते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं, यहीं से आप? अच्छा बोकारो। आप धन्यवाद भैया, नाम तो बताइए अपना। राशिद भैया ना, चलिए ठीक है भैया, मैं तो मैं भी बोकारो ही हो सकता है पहुँच जाऊँ आज, ठीक है भैया मिलते हैं, थैंक यू। चलिए राशिद भैया गए, ऐसे ही दो चार मिनट का बात हुआ, भैया चैनल का नाम हम उसे सब्सक्राइब कर दिए, अच्छा लगता है यार कोई सब्सक्राइब करते हैं, ऐसा तो ऐसा बोलते तो नहीं अपन सब्सक्राइब करने को, बट सामने से जब बोलते हैं कि कर देते हैं दाम बताइए तो अच्छा लगता है। बोकारो सीधा जाएगा, गोला भी सीधा जा रहा है, मतलब इधर पे क्या जाएगा भाई? चित्रमस्तिका मंदिर, हुंदरू वाटरफॉल, जगन्नाथ मंदिर, अच्छा ओके चलो ठीक है। ऐसा धीरे धीरे कुछ कुछ ऐसा अच्छा क्या बोलते हैं इंसिडेंट होता है ना ऑन द वे, तो अच्छा लगता है, मूड लिफ्टिंग होता है पता है ये सब। ओ घाटी क्षेत्र प्रारंभ, नीचे उतरो सॉरी और फिर से ऊपर चढ़ो। पता नहीं भाई इस रोड में इतना भीड़ क्यों, और कार आता है तो एक साथ लाइन से 6-7 क्यों आता है ये घाट में, अच्छा खासा घाट है बॉस, अच्छा खासा। भाई मतलब घाट तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, जब तक ढलान है तब तक मज़ा आ रहा है। ऐसा कुछ मोमेंट आता है जहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अभी अपने को सफ़र और जारी रखना है, घायल नहीं होना है, है ना, तो आराम से चले भाई, कुछ ज़्यादा ही तीखा ढलान है यहाँ पे, रोकना मुश्किल आएगा, ऊपर से भीड़ बहुत ज़्यादा है। भाई को बुलाया फ़ोटो खींचने के लिए, नाम बता बाबा? रोशन कुमार। रोशन थैंक यू बॉस, खींच दे भाई जल्दी से। ये रोशन भैया को मैं रुकवाया था अपना फ़ोटो खींचने के लिए, तो पूछा तो भैया बोल रहे हैं रांची जा रहे हैं, वही पैदल। कितना दूर होगा भैया रांची यहाँ से? यहाँ से होगा 40-45 किलोमीटर, मतलब यहाँ से तो कम होगा, यहाँ से होगा 35 किलोमीटर। पैदल जाओगे और कितना दूर? देखते हैं जैसा स्थिति रहेगा, जा रहे हैं पैदल ही निकले हैं। क्या बात है भैया, हम लोग साइकिल में घूमते हैं, भैया तो उससे भी अपिक कर रहे हैं, पैदल रांची जा रहे हैं। और ये घाट का नाम क्या है भैया?
सिकिदरी घाट। सिकिदरी? सिकिदरी हाँ। सिकिदरी तो मेरे को समझ आया कि घाट में यू आर नॉट अलाउड टू ओवरटेक, दैट्स वाई कोई ओवरटेक नहीं कर रहा था, ये चूतिया लोग कर दिए अलग बात है। अरे भाई यहाँ से गुलमी करके गांव जाते हैं, खुल ही क्या आस पता नहीं, अपना दोस्त है शुभम माझी करके जिसके यहाँ पे मैं साईपाली में रुका था, उसका गांव का नाम दुलमी है झारखंड में, पता नहीं अब ये वाला दुलमी है कि और भी कोई दुलमी है, क्योंकि दुलमी नाम से बहुत सारे गांव हो सकते हैं। क्या एपिक मैसेज है भाई, जीवन से ही है जीव और वन। चलो अभिचिया फाटक खुला जैसे ही पहुँचा हो तो, और अपना छोटा साइकिल होने का फ़ायदा है। अरे एम्बुलेंस को साइड देना पड़ेगा बॉस। गोला पहुंच गया हूं मैं, गोला NH 43 में चला चुका, 33 में चला चुका, अभी 23 में भी चला रहे हैं। क्या इसका जगह का नाम क्या है? चक्रवाली है जगह का नाम क्या? तो मांझी भाषा में दका जुम, दका जुम और खोरसा भाषा में बात खा ले। तो बांग्ला में कैसे बोलेंगे? बांग्ला में बात कहे छी, बात खा लें। बढ़िया। तो सीखे कितना है मतलब ये सब भाषा, माझी भाषा आप कहाँ से सीखे? यही बगल में है। अच्छा, बगल गांव में है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सभी भाषा जानते हैं। सही है यार, अपने को भी कुछ कुछ भाषा सीखना है। सीखना चाहिए, जरूरी है भैया। कब कैसा आदमी भाषा बोलेगा तो समझना चाहिए। जी अभी मैं संधो घाटी से गुजर रहा हूँ और यहाँ से शुरू हो जाता है बोकारो का वन। ये मस्त लगता है भाई, साथ में नागपुरी गाना चला के चलते रहते ना। अब यहाँ रजरप्पा। तो आजा भाई, ज़्यादा दूर नहीं है भूमिया। आजकल हम लोग की तरफ ये क्या बोलते हैं जीप चलना बंद हो गया, लेकिन यहाँ पे ना क्लासिक जीप चलता है भाई। ये देखना मेरे पीछे से पार होगा अभी, ये वाला क्लासिक जीप है, एकदम क्लासिक मस्त लगता है। और इसमें ना ऊपर में लटक लटक के भी जाते हैं लोग यार, मैं हमेशा रिकॉर्ड नहीं कर पाता, चालू करता हूँ कैमरा से पहले ही गाड़ी पार हो जाता है। घर में जलाने के लिए लेके जा रहे हो? घर में जलाने के लिए लेके जा रहे हो? इसको ना हम लोग ना छत्तीसगढ़ में ना झिटी पिटी बोलते हैं। जब भी ऐसा होलिका वोलिका का समय आता था ना, तो 100 बेड के पीछे साइड का जो जंगल है ना, वैसे सबको उठा के लेकर आता था। क्या बोलते थे हम लोग? झिटी पिटी। आप लोग क्या बोलते थे बताओ भाई इस झाड़ को? पेटरवार से आने के बाद, पेटरवार से आगे आने के बाद बस 5 किलोमीटर रह गए हैं तीनों घाट। पता नहीं वो घाट है कि उस जगह का नाम ही तीनों घाट है, वो तो वहाँ जाके ही बच लेगा। 5 किलोमीटर बच गया पहली बार, मतलब उसके बाद पहला एक पानी ब्रेक ले रहे हैं। 2:08 में वहाँ से निकला था और अभी 3:08 एग्जैक्टली 1 घंटे में। क्या खाटी खाटी गाना चला के जाते थे बस वाले, दिल मस्तानी ऐसा कुछ था, कुमार सानू का गाना था अर्जुन नहीं शायद उदित नारायण का था यार। ये वाला काम करने में बहुत मज़ा आता है भाई, क्या है ना पीछे आराम मिलता है। जिसको समझना होगा समझ गया। तीनों घाट चल भाई देख लेते हैं, अब आए हैं तो 2-5 मिनट है ना, लेकिन रास्ता इज द बंद इज द सो वी कांट इज द गो इज द बट द व्यू इज द नाइस इज द तीनों घाट है। मतलब पहुंच गया हूं मैं तीनों घाट, साइकिल टिका दी हूं, रास्ता बंद दिखाया था मैं आपको, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं साइकिल छोड़ के पैदल ही आ जाते हैं। और यहां से थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, बस ज़बरदस्त व्यू होगा एकदम। मेरे को ना ये सब व्यू देख के ना हीराकुंड डैम याद आ जाता है। हीराकुंड है कि हीराकुंड है याद नहीं है, उड़ीसा में जो भी है गया हूँ एक बार, उस टाइप का थोड़ा सा फीलिंग आया। बट
थोड़ा सा पावना लेकर भी टच है। ये है आज का रैन बसेरा, कुछ नया नया खुला लग रहा है। 700 रुपये कुछ करूँ मैं, दिखाता हूँ। पहले सामने में फल दुकान तो ले लिया, 10 रुपये का 3 ठो क्या बोलते केला, ऐसे ही करता हूँ मैं। जितना दर्जन रहता 10 का भी 2-3 पा जाता खा लो। खाना अच्छा बनाते, सुबह भी बनाते। ये सब अपने छत्तीसगढ़ में दिखता है, नया नया चीज़ है। दीजिए तो कल ये कुछ नया खाएंगे। अब रूम टूर देना भूल गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूखा था, और उसके बाद मेरे को नहाना भी था, एकदम बेकार लग रहा था, तो पसीना पसीना धूल धूल से, इसलिए रूम टूर दिया नहीं। 700 रुपये दे रहा हूँ, गायत्री माँ गायत्री गेस्ट हाउस करके है, फाटक के इस पार है। दिखा देता हूँ थोड़ा सा रूम, है ना, सही है। चलो फिर यहीं पर मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।